हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें सीखना है किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना। कि आपके पास कोई भी एटम है, उस एटम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस टॉपिक को हम कल डिस्कस कर रहे थे और आज इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी है कि किस तरीके से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल यहाँ दे रखा है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो हमें क्या करना है, जो लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिथियम को और उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s1, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या करना है, आपको बताएं कि s सबसेल में एक ऑर्बिटल और दो इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी s सबसेल में एक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है केवल एक, और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या लिखवाया था, यदि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका होता है जेड माइनस सिग्मा। यहाँ जेड तो है एक्चुअल एटॉमिक नंबर या एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट या फिर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट। तो जेड तो आपको पता ही है, जितना भी है कितना है, लिथियम के लिए जेड का वैल्यू 3 है, ये तो आपको पता ही है। जेड तो हम लिख ही देंगे माइनस, पर सिग्मा लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कल। सिग्मा लिखने का तरीका सिखाया था कि जो हमारे पास ऑर्बिट है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी हिस्सेदारी होती है 0.35 की। तो 0.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, जिसके लिए आप इफेक्टिव एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हो, प्लस जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट होता है उसके हर एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होती है 0.08 की, 0.05 की, 0.85 की, 0.85 इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन, और जो उसके अंदर के जितने भी ऑर्बिट हैं उन सबके हर एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होती है 0.1 की। कितने की होती है, 1 की। तो यहां लिखेंगे 1.00 या 1.0 लिख दो, इनटू शेष, शेष माने जितने भी बचे हुए हैं अंदर के ऑर्बिट्स में शेष इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस फार्मूले को हमें यूज करना है। जब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हमारा जेड इफेक्टिव निकल के आ जाएगा। अब लिथियम के केस में देखो, जेड कितना है लिथियम का, जेड तो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर तो 3 है माइनस। देखो हमें देखना है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे। ये था एक जो रेड कलर से हमने बना रखा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ही हम निकाल रहे हैं जेड इफेक्टिव। भाई दूसरी कक्षा में एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, दूसरी कक्षा में और कोई दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए 0.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन तो लगाना ही नहीं हमें फार्मूला। पर आप सेकंड लास्ट ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड लास्ट में कितने हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये लगेगा, ये वाला जो है फार्मूले का ये वाला हिस्सा ये लगेगा। ठीक है, क्या है ये, 0.85 इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब लास्ट वाला हिस्सा भी फार्मूला का नहीं लगेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा लगाना आपको। तो इसे लगाओगे तो 3 - 0.85 इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो हैं, तो ये हो जाएगा
थ्री माइनस दो पंजे दस का जीरो, हासिल को एक, दो अट्ठे सोलह और एक सत्रह, और डेसिमल लगेगा यहाँ, कितने अंक हैं ये, दो ही तो हैं, दो, तो यहाँ लगेगा डेसिमल इस जगह ये। तो आपको तीन में से, इधर रफ काम करते हैं, तीन में से घटाना है 1.70 को, इसे घटाना है तीन में से। तो जीरो में जीरो गया जीरो, यहाँ दस में से सात गए तीन, यहाँ बचे होंगे कितने, दो, दो में से एक गया एक, 1.30। तो इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया, 1.30 आया, किसके लिए, लिथियम के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, कितना आया 1.30। समझ में आई ना बात, देखो अब जरा ध्यान से देखना, लिथियम तीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s1, जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड माइनस सिग्मा, तो आप 3-0.85 इंटू एन माइनस वन ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 3-0.85 इंटू टू, यही तो है एन माइनस वन ऑर्बिट, ये हो जाएगा 3-1.70, यानी 1.30 इसका आंसर आ गया। फिर है BE4, अब BE4 का निकालना है हमें, BE4 यहां लिख लेता हूं, BE4 सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2, इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, और मैं एक इलेक्ट्रॉन को अलग कलर से निकालता हूं, लिखता हूं, इसके लिए जो येलो कलर से मैंने बनाया, इसके लिए आपको निकालना है जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब आपको इस बात का पता है, फार्मूला होता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का तो पता है आपको, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ये वाला फार्मूला कि आप जेड इफेक्टिव कैसे निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब हम यहां जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे तो जेड कितना है, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है इसके लिए चार, तो हम लिखेंगे चार माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हमें देखना है कि इसके ऑर्बिट में बाकी बचे हुए कितने हैं, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा, तो बाहरी कक्षा जो हमारी है उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होती है 0.35 की, 0.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, प्लस सेकंड लास्ट ऑर्बिट है पहला, उसकी हिस्सेदारी होती है 0.85 की, इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं इसलिए तीसरा हिस्सा मैं लिख ही नहीं रहा हूं। अब वैल्यू पुट करो यहाँ, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 4-0.35 एन इलेक्ट्रॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक के लिए तो निकाल रहे, एक बच गया बस, उसका इफेक्ट 0.35 का होगा, 0.85 एन माइनस वन में सेकंड लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, तो ये हो जाएगा 4-0.35 की वन में मल्टीप्लाई करोगे 0.35 ही आएगा, प्लस 0.85 की टू में मल्टीप्लाई करोगे, दो पंजे दस का जीरो, हासिल को एक, दो अट्ठे सोलह और एक सत्रह, ये आ जाएगा 1.70। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, जब आप जोड़ोगे इन दोनों को तो 5 और 5 और 0 5 7 और 3 10 का 0, हासिल को एक, एक और जीरो एक और एक हासिल का दो, 2.05 आया। यहाँ करते हैं रफ काम, रफ काम इधर कर लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें 4.00 में से घटाना है 2.05 को, इन्हें घटाना है, हम 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गए 9,
तीन में से दो गए एक, 1.95, तो ये आ जाएगा हमारा 1.95, इतना आया जेड इफेक्टिव, ये हमारा आंसर है, ठीक है 1.95 ये जेड इफेक्टिव आया। अब देखो जरा ध्यान से, देखो ऐसे ही सॉल्व कर रखा या नहीं। बेरियम 4, 1s2 2s2, जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 4.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस 0.35 इंटू वन, एक बचा था एक का निकालना था, एक बचा था 0.85 इंटू टू, ये हो जाएगा 0.35, ये 1.70, 4 माइनस 2.05, तो 1.95 आया, कितना आया 1.95। अब देखो अगला क्वेश्चन, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है हमें, यहाँ लिखते हैं बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ये लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लगाएंगे फार्मूला, क्या फार्मूला लगता है, जेड इफेक्टिव का फार्मूला लगता है जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, ये फार्मूला लगता है, ठीक है जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, अभी पुट नहीं करते, पहले सिग्मा के लिए देखो क्या बनेगा फार्मूला, इसे छोड़ देना इस वाले को, तो 0.35 दूसरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखो ये रहे दो, एन इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन, यही तो लगेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, जेड कितना है 5 माइनस 0.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन थे, ये पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीन में से एक के लिए हमें निकालना था, दो बचे थे, प्लस 0.85 इंटू एन माइनस वन कितना है, सेकंड लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 5 माइनस, ये हो जाएगा 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 होते हैं ना, तो 0.70 प्लस 85 दूनी होते हैं 170, ठीक है 1.70, ये हो गया 5 माइनस, इन दोनों को जोड़ो आप तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0, और 7 और 7 14 का 4, हासिल को 1, ये हो जाएगा 1 और 0 1 और 1, हासिल का 2, 2.40, थोड़ा सा रफ काम करते हैं, चलो हमें 5.00 में से घटाना है 2.40। अब आपको पता चल गया होगा क्या बचेगा, 0, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, 2.60, क्या आया 2.60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.60, ये आंसर है हमारा, आ रहा ना समझ में 2.60, इस तरह निकलता है जेड इफेक्टिव। देखो जरा ध्यान से, देखो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, 5 माइनस 0.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन, 0.35 इंटू दो, तीन थे ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक के लिए निकालना था, दो बचे थे, तो उनका हिस्सेदारी 0.35 का होगा, और 0.85 इंटू टू, कैलकुलेट करके ये आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, कार्बन 6, कार्बन 6 के लिए निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2
2p2। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि इसमें तो हैं दो इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हैं, टोटल चार। ठीक है, चार में से एक के लिए निकालना, तीन कैलकुलेट होंगे। आपको पता है फार्मूला, चूंकि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और आपको ये भी पता है कि जेड इफेक्टिव निकालने के लिए यहां फार्मूला जेड माइनस सिग्मा के लिए लगेगा, सिग्मा के लगे लगेगा 0.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन, बस यही तो लगेगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, जेड कितना है जेड है हमारे पास 6 माइनस 0.35, बाहरी कक्षा में चार थे, चार में से एक के लिए हम निकाल रहे, तीन बचे, इंटू 3 प्लस 0.85 इंटू एन माइनस वन, सेकेंड लास्ट में दो हैं, इंटू 2 कैलकुलेट कर रहे, 6 माइनस 3 पंजे 15 का 5 हासिल को 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल को 1, 1.05 आ जाएगा, प्लस 85 दूनी होते हैं 170। इन दोनों को जोड़ लो आप, 6 माइनस दोनों को जोड़ोगे 5 और 0 5, 7 और 0 7 और 1 और 1 2, तो थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। चलो 6.00 में से 2.75 हमें घटाना है, जब हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5 और यहां बचे होंगे 9, 9 में से 7 गए 2 और यहां कितने बचे होंगे 5, 5 में से 2 गए 3, 3.25। तो हमारा आंसर आएगा ये आंसर आएगा 3.25, ये है हमारा सही आंसर। बताओ समझ में आ रही क्या बात? ठीक है बेटे, तो ऐसे निकालते हैं जेड इफेक्टिव। अब यदि कोई आपसे पूछता है ना, देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, मान लो किसी ने पूछ लिया कि सोडियम है और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बता दो आप जेड इफेक्टिव कितना होगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ऐसे ही तो लिखोगे। फिर आप देखोगे कि इनके ऑर्बिट कौन कौन से हैं, ये तो पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट यहां से यहां तक है और तीसरा ऑर्बिट ये है। अब इनमें आप इलेक्ट्रॉन देखोगे कि भाई इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये तो है n ऑर्बिट है आउटर मोस्ट और ये है n-1 ऑर्बिट और ये बाकी शेष अंदर वाले जितने भी हैं उन्हें तो मैं शेष कह रहा, शेष बचे हुए ऑर्बिट। अब आप फार्मूला लगा दो, फार्मूला तो आपके याद ही होगा, फार्मूला जेड इफेक्टिव का इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। फार्मूला लगाओ, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड कितना है 11 माइनस, अब मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूं, यूं बताओ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ही निकाल रहे, तो 0.35 का तो कोई हिसाब यहां बनेगा नहीं, एन माइनस वन का होता है 0.85 का, तो हम लिखेंगे 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है एन माइनस वन में 8 प्लस और अंदर वाले सबको एक हिस्सेदारी है और कितने इलेक्ट्रॉन है 2, शेष में तो 2 है ना, बस ये हो जाएगा 11 माइनस 8 पंजे 40 का 0 हासिल को 4, 88 64 और 4 68 और ये हो जाएगा 6.80। ठीक है, प्लस
वन की टू में मल्टीप्लाई करोगे टू आएगा, 11 माइनस 6.8 में दो जोड़ोगे तो 8.80 आएगा। अब थोड़ा सा रफ काम करते हैं, 11.00 में से घटाते हैं 8.80 को, इसे घटाते हैं 0 में 0 गया 0, 10 में से 8 गए 2, और यहां कितने बचे हमारे 10 में से 8 गए 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 2.20, ये हमारा आंसर है। इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस कर रहा होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इतना न्यूक्लियर चार्ज महसूस कर रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे मान लो आप कहो नाइट्रोजन का निकालते हैं, सर चलो नाइट्रोजन का देखते हैं निकाल कर, नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑर्बिट हैं। ये तो पहला ऑर्बिट है और ये पूरा दूसरा ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में इसे तो हम कहेंगे लास्ट ऑर्बिट है, इसे तो कहेंगे हम n, और इसे कहेंगे n-1, एक ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ, ये तो हो गया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ना n में, तो 3 और 2 5 हैं, 5 को ऐसे दिखाना 4+1, एक के लिए तो हमें निकालना है और 4 को इसके साथ फार्मूला लगाना है, इसके लिए हमें निकालना है। तो जब हम जेड इफेक्टिव निकाल रहे होंगे, देखो जेड इफेक्टिव जब हम निकाल रहे होंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे जेड माइनस सिग्मा का। जेड कितना है इसका 7, और सिग्मा के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 5 थे, एक के लिए निकालना 4 बच रहे, तो 0.35, 4 इलेक्ट्रॉनों का हिसाब तो यह है, और n माइनस 1 का 0.85, कितने हैं n माइनस 1 में इलेक्ट्रॉन 2, तो इसे कैलकुलेट करोगे 7 माइनस, ये हो जाएगा 35, दूनी तो 70 होते हैं, 35 का दुगुना 70 है, और तो 4 गुना कितना हो जाएगा 140, ठीक है, प्लस 85 का दुगुना 1.70, कई बार कर लिया ना ये हमने, तो ये हो जाएगा 7 माइनस, जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा 0+0 0, 7 और 4 11 का 1, हासिल को 1, 1 और 1 2, और 1 हासिल का 3, ठीक है। अब आप इसे घटा लो, 7.00 में से 3.10 को घटा लो आप, यहां तो 0 ही है, 10 में से 1 गया 9, यहां 6 बचे, 6 में से 3 गया 3, 3.90, तो हमारा आंसर आया है 3.90, ये हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे करना चाहिए क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं सारे जब भी एग्जाम में, और ये बात पक्की है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा जेड इफेक्टिव का। तो जेड इफेक्टिव आपको यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना आना चाहिए जरूर, ठीक है बेटे। बस आज हम इतना ही पढ़ाई करेंगे, कल को अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।